And now the final option on the list is trunks. So recently I made a video on some common underwear mistakes और उस video ने बहुत ही अच्छा perform किया. But उस video के बाद मुझसे बहुत लोगों ने एक सवाल किया और वो ये था कि साहिल briefs पर भी अपना opinion दो कि हमें briefs पहनने चाहिए या briefs और trunk में से कौन सा एक better option है. तो इस video में मैं बहुत ही detail में discuss करूँगा कि कौन सा underwear आपकी body type के लिए best है. Keep on watching. So before starting the video, here's a quick shout out to my Instagram. अगर आपने मुझे वहाँ अभी तक नहीं फॉलो किया है, go follow me to stay updated. तो इस वीडियो में मैं जो आपको अंडरवेयर सजेस्ट करूंगा वो दो बेसिस पर होंगे. फर्स्ट इज कम्फर्ट कि आप कौन से अंडरवेयर में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे. एंड सेकेंड इज आई कैन से लुक्स और एस्थेटिक्स की कौन सा अंडरवेयर आपके ऊपर बेस्ट लगेगा. अब क्योंकि बहुत से लोगों ने ब्रीफ्स के बारे में पूछा तो सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं. ब्रीफ्स में ये नहीं कहूंगा कि बेकार है, बट इट इज समथिंग विच आई डोंट प्रेफर मच क्योंकि इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हमारे सिर्फ क्रॉच एरिया को कवर करते हैं. तो इस वजह से मुझे ब्रीफ ज्यादा पसंद नहीं आते. लेकिन हम बात करेंगे कि कौन से लोग ब्रीफ्स पहन सकते हैं और किन लोगों को ब्रीफ्स नहीं पहनने चाहिए. सबसे पहले बात करते हैं मोटे लोगों की. अगर आपकी थाइस पर बहुत ज्यादा फैट है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रीफ्स मत पहनो क्योंकि वो आपकी थाइस को बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा. जब आपकी थाइस आपस में रब करेंगी तो उससे इरिटेशन होगी, उससे रैशेस हो सकते हैं एंड इट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन. अगर आप एक लंबे बंदे हो तो मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगा कि आप ब्रीफ्स मत पहनो क्योंकि ये सिर्फ आपके क्रॉच एरिया को ही कवर करेगा, जिसकी वजह से आपके लेग्स एकदम एक्सपोज्ड रहेंगे और वो और ज्यादा लंबे लगेंगे. यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिकॉज दिस लुक्स टेरिबली ऑड. अब बात करते हैं स्किनी लोगों के बारे में जो थोड़े से पतले हैं. मैं आपको भी सेम एडवाइस दूंगा कि आप ब्रीफ्स मत पहनो क्योंकि कम कवरेज होने की वजह से आपके लेग्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा विजिबल होंगे एंड दे विल लुक वेरी स्किनी. ब्रीफ्स इज अ बिग नो फॉर यू. बेसिकली ब्रीफ एक ऐसा अंडरवेयर है जो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, इवन अगर आपकी बहुत ज्यादा मस्कुलर बॉडी है या फिर आपकी बॉडी शेप में है, क्योंकि ब्रीफ से भी बहुत बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपकी बॉडी टाइप पर अच्छे लगेंगे. मैंने भी पता नहीं ये क्यों ले लिया, शायद मुझे इसका डिजाइन पसंद आया था, लेकिन मैं इसको बहुत रेयरली पहनता हूं. एंड नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड अंडरवेयर एंड इट इज बॉक्सर शॉर्ट्स. आई नो मेनी ऑफ यू गाइस लव टू वेयर इट, इवन मुझे भी बॉक्सर शॉर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है. मैं जब भी घर में होता हूँ मैं सिर्फ उन्हीं में रहता हूँ बिकॉज इट इज वेरी कंफर्टेबल. मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने एक रेगुलर अंडरवेयर या फिर पजामे में सोते हो तो उसको रिप्लेस करो एक बॉक्सर शॉर्ट से, बिकॉज इट इज वेरी गुड इन द लॉन्ग रन बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा रूम होता है. इट इज वेरी एरी विच कीप्स यू वेरी कंफर्टेबल. बट मैं ये भी एडवाइस दूंगा कि बॉक्सर शॉर्ट्स को सिर्फ बेडरूम तक ही लिमिटेड रखो क्योंकि इट इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन जब आप कहीं बाहर जा रहे हो. यू कैन चेक आउट दिस वीडियो जहां मैंने ये चीज बहुत डिटेल में डिस्कस की है. अब बात करते हैं कि कौन लोग बॉक्सर शॉर्ट्स पहन सकते हैं और इसका आंसर है एवरीवन इफ यू आर सीकिंग कंफर्ट. लेकिन अगर आपको एक गुड लुकिंग अंडरवेयर चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक स्किनी बंदे हो तो आपको बॉक्सर शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि बॉक्सर शॉर्ट्स बहुत ही ज्यादा लूज होते हैं तो उसमें आपके लेग्स बहुत ज्यादा स्किनी लगेंगे. यू कैन ऑप्ट फॉर अ वेल फिटेड बॉक्सर शॉर्ट, लेकिन ये वेरी करता है ब्रांड टू ब्रांड, तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ब्रांड का बॉक्सर शॉर्ट आपको अच्छे से फिट होता है. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज बॉक्सर ब्रीफ्स, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है. दे आर माय पर्सनल फेवरेट्स बिकॉज देयर फिट इज जस्ट ऑसम. अगर इसकी कवरेज की बात करें तो ये आपकी पूरी थाइस को कवर करता है, विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. अगर आप एक स्किनी बंदे हो ये अंडरवेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा. और ये सिर्फ स्किनी लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, इसको हर कोई पहन सकता है. डजंट मैटर आप मोटे हो आप लंबे हो, बॉक्सर ब्रीफ्स हर एक बंदे पर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. ऑल्सो दे प्रोवाइड ग्रेट सपोर्ट टू योर प्राइवेट पार्ट. लेट्स से अगर आप जिम जा रहे हो और यू आर ड्रेस्ड अप, योर पीनिस वोंट हैंग लेफ्ट और राइट, वो अपनी जगह पर ही रहेगा. Boxer brief is a big yes from my side. And now the final option on the list is trunks. Trunk is also a very nice option. Iska coverage boxer brief ke comparison mein thoda sa kam hota hai, but it doesn't make it a bad option. Kyunki agar mujhe boxer briefs nahi milte to main fir trunks khareedta hu kyunki ye ek acha alternative hai. Agar aap ek aise bande ho jiski thigh bahut zyada muscular hai ya fir keh sakte hain agar aap shape mein ho, then trunk is a very nice option for you kyunki ye sirf aapki thighs ke thoda sa upar hota hai jo aapki thighs ko bahut acche se accentuate karta hai. एंड इट लुक्स वेरी गुड. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंक सिर्फ मस्कुलर लोग पहन सकते हैं, इसको कोई भी पहन सकता है. डजंट मैटर यू आर स्किनी और फैट, इट इज अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर एनीवन. सो दिस वॉज योर गाइड फॉर द बेस्ट अंडरवेयर फॉर योर बॉडी टाइप. इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू फाउंड इट हेल्पफुल, गिव इट अ थम्स अप. ऑल्सो चेक आउट दिस वीडियो विच आई मेड ऑन सम कॉमन अंडरवेयर मिस्टेक्स. अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाओ ये भी देखो. नाउ आई एम गोइंग, आई विल सी यू विद अ न्यू वन. टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून.